आपके YouTube चैनल पर तीन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी, आपका YouTube चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा YouTube से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, शुरू में ही मैं आपको बता दूं, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर भी तीन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी तो फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शुरू में ही बताऊंगा कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है और कौन भेजता है, क्यों आती है ये, तो क्यों इससे कैसे आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाता है और कैसे हमें इससे बचना चाहते हो। फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो में। अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बने तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो यूट्यूब की तरफ से आती है तो फ्रेंड्स के उन लोगों को आती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आए दिनों हर बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर सर्च 2.0 या टैग चैंपियन स्पॉट या मनोज दिया गया, टेक्निकल योगी, जूनी के टैग, टेक्निकल असरार, कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो टेक्निकल योगी, तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे मतलब एक किस्म के एप्लीकेशन का रिव्यू करते रहते हैं, एडवर्टाइज करते रहते हैं, स्पॉन्सर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखो को बहुत सारे यूट्यूबर जो थे रमी मतलब सर्कल के बारे में, रमी ऐप जो है उस गेम के बारे में मतलब एक किस्म का स्पॉन्सर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसे में आप भी रमी मतलब गेम का स्पॉन्सर करते हैं तो फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी और आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे उनका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट क्यों नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा इसकी पॉलिसियां क्या होती है, तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के खिलाफ क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो कहती है कि अगर आप भी किसी प्ले स्टोर की किसी भी ऐप का रिव्यू करते हो, स्पॉन्सर करते हो, तो फ्रेंड्स आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। अदरवाइज जो भी प्ले स्टोर पर ऐप नहीं है तो फ्रेंड्स आप उसकी स्पॉन्सर नहीं कर सकते यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हो तो फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी, जिससे आगे चल के आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो भी बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर कमी इस पर मतलब रमी पर जो स्पॉन्सर करते हैं तो फ्रेंड्स उनका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट क्यों नहीं करते, हालांकि ये भी यूट्यूब के खिलाफ है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये 3 दिन के अंदर अंदर उस वीडियो को डिलीट कर लेते हैं यूट्यूब से, अपना स्पॉन्सर उनसे ले लेते हैं, जो भी अर्निंग लेना होता है रेवेन्यू लेते हैं तो फ्रेंड्स उस स्पॉन्सर उस पर वीडियो बना लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 2 या 3 दिन के बाद वो वीडियो को डिलीट कर लेते हैं। अगर ऐसे में आपने भी स्पॉन्सर किया 3 दिन तक अगर आपके यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो रही तो फ्रेंड्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 4th दिन भी वो वीडियो रखी तो फ्रेंड्स यूट्यूब की तरफ से आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मतलब एक किस्म का मैसेज ईमेल आएगा। तो फ्रेंड्स उसी के साथ साथ आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 2-3 अगर 1 महीने में आ गया तो फ्रेंड्स 3 जब आपके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स सीधी सी जो बात है, आपको क्या करना है, आपको जो प्ले स्टोर पर एप्स है आपको उसी का रिव्यू करना है, उसी का स्पॉन्सर कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी एप्लीकेशन का स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं हो। तो फ्रेंड्स सीधा सा मतलब यह है कि यूट्यूब उन कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है जो यूट्यूब पर जो मतलब प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं हो। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे में आप भी किसी एप्लीकेशन का रिव्यू कर रहे हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं है तो फ्रेंड्स याद रखिए टोटल 3 दिन तक आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पर रख सकते हैं, बाद में उसको डिलीट कर लेगा। अदरवाइज आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी, जिससे आगे चल के आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर देगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है और इससे कैसे बच सकते हैं हम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।